आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साविका श्रीवास्तव। रुख करते हैं खबर की ओर। सावन की सोमवारी पर जहानाबाद के सिद्धेश्वरनाथ में हादसा, भगदड़ से 8 की गई जान। हालांकि प्रशासन की ओर से अभी तक 7 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है, लेकिन ये संख्या और बढ़ सकती है। कई लोगों के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उनकी हालत क्रिटिकल है। आज 12 अगस्त सावन के चौथा सोमवार है और बिहार के जहानाबाद में रविवार 11 अगस्त की देर रात एक बड़ा हादसा हो गया। मखदुमपुर के वाणावर स्थित बाबा सिद्धेश्वरनाथ मंदिर के बाहर मची भगदड़ में 8 लोगों की मौत हो गई। ये सभी लोग आज सोमवारी पर जल चढ़ाने के लिए पहुंचे थे। मृतकों में पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से 7 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है, लेकिन जिस तरह से ये घटना हुई है और श्रद्धालु घायल हुए हैं, ऐसे में ये संख्या और बढ़ सकती है। कई लोगों को इलाज के लिए स्थानीय मखदुमपुर अस्पताल और जहानाबाद सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सोमवार के मौके पर जल चढ़ाने के लिए होती है भीड़। इस दिन भारी तादाद में लोग जल चढ़ाने पहुंचते हैं। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस प्रशासन की टीम पहुंची, राहत बचाव का कार्य तुरंत शुरू कराया गया। दरअसल सावन के महीने में बाबा सिद्धेश्वरनाथ मंदिर में जल चढ़ाने के लिए काफ़ी संख्या में भीड़ होती है। सोमवार के मौके पर भीड़ बढ़ जाती है और इसके देखते हुए बीते रविवार की रात से ही जल चढ़ाने के लिए लोगों की भीड़ पहुंचने लगी थी। आपको बता दें कि पहाड़ के ऊपर मंदिर है और लोग चढ़कर जल चढ़ाने के लिए यहाँ जाते हैं। इस पूरे मामले में SDO विकास कुमार ने कहा कि इस पर वह थोड़ी देर में आधिकारिक तौर पर कुछ बता पाएंगे। इस सवाल पर कि क्या सुरक्षा में कमी थी, इस पर उन्होंने कहा कि रविवार की रात में ज़्यादा भीड़ होती है। 3 सोमवारी के बाद ये चौथी सोमवारी थी। हम लोग इसको देखते हुए सतर्क थे। जिस तरह से सिविल मजिस्ट्रेट मेडिकल टीम की तैनाती होती है, उस तरह से की गई थी। ये दुखद घटना है। आगे की जो प्रक्रिया है वो पहले हम लोग कर रहे हैं। घटना के संबंध में प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि भगदड़ के बाद श्रद्धालु गिर गए थे, दम घुटने लगा था। एक प्रत्यक्षदर्शी ने प्रशासन पर आरोप लगाया, कहा कि लाठीचार्ज करने की वजह से ये हादसा हुआ है। NCC के लोग ड्यूटी कर रहे थे, बिहार पुलिस का कोई नहीं था। वहीं जल चढ़ाने के लिए पहुंचे एक और व्यक्ति ने बताया कि पहाड़ पर ऊपर में पुलिस और लोगों में बहस के बाद लाठी चलाई गई तो लोग पीछे की तरफ भागने लगे, उसी में ये घटना हो गई है। लोग नीचे की तरफ गिरते चले गए।